वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू. दिस इज बख्शी हियर वंस अगेन. एंड एज यू नो दैट लास्ट टाइम वी हैड टॉक अबाउट किचन वोकैबुलरी और यू कैन से कुकिंग वोकैबुलरी. वंस अगेन आई हैव ब्रॉट टू यू वन मोर वंडरफुल लेसन. एंड टुडे इन दिस लेसन वी आर गोना लर्न अगेन कुकिंग वोकैबुलरी और कैन से गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. गाइज वी विल टॉक अबाउट लास्ट टाइम we prepared breakfast. This time we will talk about making main course, lunch or dinner. So let's make food. As you can see on your screen, as I told you last time, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि लाना होता है, सबसे पहले हम लेकर आते हैं कोई भी सब्जी या कुछ भी. So you remember I told you last time, लाना होता है bring or you can say fetch. As you can see on your screen here, fetch the vegetable, you can say bring vegetable. Okay, then what we do? Then we wash the vegetable. या जो भी होते हैं pulse बोलते हैं दाल को. Wash the vegetables or you can say pulse or rice. सबसे पहले हम धोते हैं सब्जी को जो भी हम बना रहे हैं लंच में डिनर में. धोने के बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, भी अब उनकी हम तैयारी करते हैं. इतने हम लोगों ने क्या किया, इतने हम उनको धो के रख दिया हमने. अब हम पीसते हैं मसाला, पीसते हैं मसाला. पीसना होता है यू कैन से ग्राइंड दी स्पाइसेस और यू कैन से रेड या ग्रीन चिलीज. किस पर पीसते हैं डिपेंड करता है, इधर ऑन ग्राइंडिंग स्टोन जिसे हम लोग बोलते हैं सिलबट्टा. एज यू कैन सी हियर दिस इज कॉल्ड सिलबट्टा ग्राइंडिंग स्टोन. और सम पीपल यूज ग्राइंडर. एज यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन दिस इज कॉल्ड ग्राइंडर मशीन. सिंपल. ओके, देन व्हाट वी डू, वी सोक द पल. हम भिगो देते हैं दाल या चावल को जो भी हम बना रहे हैं, हम भिगो देते हैं. भिगोना होता है सोक, ये वर्ब होती है, दिस इज कॉल्ड सोक. बादाम भिगोना, कपड़े भिगोना, जब आप धोने के लिए वॉशिंग मशीन अगर नहीं है तो वॉशिंग पाउडर में भिगो देते हैं आप, दैट्स कॉल्ड सोक. ओके, वी पील द पोटैटोज वट एवर वी हैव. अगर हम कुछ छीलने वाली सब्जी हमारे पास तो हम छीलते हैं. छीलना होता है पील, दिस इज ऑल्सो अ वर्ब. एज यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन, पील द पोटैटोज विद पीलर. पीलर क्या होता है दोस्तों, जिसे हम छीलते हैं दैट इज कॉल्ड पीलर. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दीज आर कॉल्ड पीलर. डिपेंड करता है कि आप कैसे छीलते हैं, आप पीलर से छीलते हैं या नाइफ से छीलते हैं. ओके गाइज, सो उसके बाद हम काटते हैं. हमने पिछली बार भी बात की थी, काटना होता है कट. अगर आप सिर्फ काटते हैं तो दैट्स कट. अगर आप काटते हैं स्लाइस करते हैं दैट्स कॉल्ड स्लाइस. स्लाइस इज ऑल्सो अ वर्ब. और अगर आप बारीक काटते हैं दैट्स कॉल्ड चॉप. हमने लास्ट टाइम बात की थी, बताया था आपको चॉपिंग बोर्ड जिसके ऊपर आप काटते हैं और जिससे हम काटते हैं वो होता है चॉपर. एज यू कैन सी हियर, लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था. कई बार हम लोग बहुत बारीक काटते हैं, बहुत एकदम महीन काटते हैं, दैट इज कॉल्ड मिंस. और किस में काटते हैं हम लोग, मिंसर में, जो मशीन होती है जिसमें नॉनवेज जो खाते हैं वो कीमा बना देते हैं, उसका कीमा करना ऐसे ऐसे, दैट्स कॉल्ड मिंस. सो मिंस विद अ नाइफ और इन अ मशीन. एज यू कैन सी हियर दिस इज कॉल्ड मिंसर. अगर हमारे पास सब्जी है, सपोज वी वॉन्ट टू ग्रेट, अगर कस रहे हैं हम लोग, कसना होता है ग्रेट. और जिसके ऊपर हम कसते हैं, एज यू कैन सी हियर ही इज ग्रेटिंग. और जिस ग्रेट द कैरेट और रेडिश एट्सेट्रा विद ग्रेटर, इसे बोलते हैं हम लोग कद्दू कस को, हम लोग बोलते हैं ग्रेटर. मिक्स द वेजिटेबल, हम लोग मिक्स कर देते हैं वेजिटेबल को इन अ बिग बाउल. बाउल बोलते हैं बड़े कटोरे को, या कटोरी होती है छोटी, बाउल बड़ा कटोरा है तो दैट्स कॉल्ड बिग बाउल. एंड समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम लोग मसाला लगाते हैं सब्जी के ऊपर, यू नो मसाले वगैरह लगाते हैं सब्जी के ऊपर जो भी आप बना रहे हैं. डिपेंड करता है, सपोज आप पनीर बना रहे हैं तो उस पर मसाला लगा देते हैं. सब्जी को मैश भी करते हैं, बेसन वगैरह मिलाते हैं, आलू बेसन जो भी है उसे मैश करते हैं. मैश करना होता है मसाले वगैरह मिलाना, दैट्स कॉल्ड मैश. दिस इज ऑल्सो वर्ब. तो स्टार्ट कुकिंग विद ऑल द इन्ग्रीडियंट्स इन अ कुकर और इन अ सॉस पैन. सॉस पैन इज कॉल्ड काइंड ऑफ देगची, या जो बर्तन होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं, या तो कुकर में बनाते हैं या फिर देगची टाइप जो होता है, दैट्स कॉल्ड सॉस पैन. ओके, आई टोल्ड यू, कुछ बताया था आपको गैस स्टोव लास्ट टाइम मैंने बताया था. अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो पहले पहला पार्ट देखिएगा, दिस इज माई सेकेंड पार्ट.
ओके, जब खाना बन रहा होता है हम उसको चलाते हैं, चलाना होता है स्टर। ओके, दिस इज ऑल्सो वर्ब। एंड समटाइम्स यू फ्राई समथिंग, आप कुछ फ्राई कर रहे होते हैं। ओके डियर, किस में? फ्राइंग पैन में, इन हिंदी वी कॉल इट कढ़ाई, स्टर फ्राई। कई बार हम क्या करते हैं, हल्के तेल में उसको पकाते हैं, स्टर भी कर रहे होते हैं और फ्राई भी कर रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड स्टर फ्राई। दिस इज ऑल्सो अ वर्ब। सोटे, या वन मोर वर्ड इज देयर, ये भूनना होता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं भूनना, हल्की आंच पर भूनना। सोटे, हल्का सा ऑयल डालकर उसे हम लोग भूनते हैं खाना बनाने से पहले। सोटे, मसाला भूनते हैं, जैसे डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं, दैट्स कॉल्ड सोटे। रोस्ट, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप रोस्ट करते हैं, हिंदी में इसको भी भूनना ही बोलते हैं। रोस्ट द पनीर, रोस्ट द कबाब, रोस्ट द नॉन वेज, रोस्ट द पोटैटोज, जो भी आपको पसंद है अकॉर्डिंग टू यू। भूनने के लिए एक और वर्ड इज देयर, वन मोर वर्ड इज देयर भूनने के लिए, बारबेक्यू। बारबेक्यू, जब आप आँच के ऊपर भूनते हैं, भुट्टा वगैरह भूनते हैं जैसे, दैट्स कॉल्ड, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड बारबेक्यू। दिस इज ऑल्सो वर्ब। बेक इज ऑल्सो भूनना होता है, इसे आप लोग अपने ओवन में भूनते हैं, जैसे बेकरी में आपने देखा होगा बिस्किट वगैरह बनते हैं, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड बेक। ये भी भूनना या सेकना होता है, इन हिंदी भूनना या सेकना। स्टीम, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनको आप स्टीम से बनाते हैं, स्टीम मीन्स भाप, जैसे आपने देखा होगा मंचूरियन या सिमर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप पानी उबाल कर बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड सिमर। दिस इज ऑल्सो अ वर्ब। सीजन, जब खाना बन जाता है तो आप क्या करते हैं, उसमें तड़का लगाते हैं, तड़का या बघार बोलते हैं हिंदी में, दैट्स कॉल्ड सीजन। दिस इज ऑल्सो अ वर्ब। कई बार आप कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत करारे बनाते हैं, करारे मीन्स क्रिस्प, दिस इज ऑल्सो अ वर्ब। और निकाल रहे होते हैं कुछ चीज़ें, आप घी वगैरह निकालते हैं, निकालना होता है स्कूप, बड़े चम्मच से निकालना, दिस इज कॉल्ड स्कूप। ये वर्ब भी होती है, स्कूप इज अ वर्ब ऑल्सो एज वेल एज नाउन ऑल्सो, एज यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड स्कूप। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप लोग नींबू वगैरह डालते हैं, स्क्वीज, किसी चीज़ को निचोड़ना, स्क्वीज विद अ स्क्वीज़र। लेट्स मेक सम चपाती, रोटियां बनाते, चलिए खाना तो बन गया हमारा, सब्जी बन चुकी है, नाउ लेट्स मेक चपाती। व्हाट वी डू, वी टेक फ्लावर, आटे को बोलते हैं फ्लावर, रिमेंबर प्रोनाउंसिएशन, सो टेक सम फ्लावर अकॉर्डिंग टू नीड इन अ हाई हिप्ड प्लेटर। जो कुंडा होता है, बड़ी जो परात होती है, और कुछ लोग उसको कुंडा बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड हाई हिप्ड प्लेटर, एज यू कैन सी हियर, दिस कॉल्ड हाई हिप्ड प्लेटर। ओके, देन व्हाट वी डू, वी सीव द फ्लावर, छानते हैं, छानना होता है सीव, और यू कैन से सिव द फ्लावर। स्ट्रेन नहीं बोलते, स्ट्रेन लिक्विड के लिए होता है, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, स्ट्रेन लिक्विड के लिए होता है, सो वी सीव द फ्लावर और वी कैन से सिव द फ्लावर। सीव यहाँ पर वर्ब भी है और नाउन भी होता है, एज यू कैन सी, जो छन्नी होती है उसको भी हम लोग सीव बोलते हैं, वो नाउन भी होती है। देन वी नीड द डो, आटा गूंथते हैं, आटा गूंथना होता है नीड, नीड द डो। जब वो सूखा होता है तो हम उसको फ्लावर बोलते हैं, पर जब उसमें पानी डल जाता है, दैट्स कॉल्ड, दैट बिकम्स डो, एक सॉलिड बन जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग डो। सो नीड द डो, किस में? वही, इन अ हाई हिप्ड प्लेटर। फिर हम बॉल बनाते हैं, पेड़ा वगैरह तोड़ते हैं, बनाते हैं ना ऐसे ही बॉल बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड मेक अ बॉल, मेक अ बॉल। उसके बाद हम क्या करते हैं, वी रोल चपाती ऑन अ रोलिंग बोर्ड विद रोलिंग पिन। हम लोग चपाती को बेलते हैं, किस पर? जो चकला होता है, एज यू कैन सी हियर, चकले को बोलते हैं हम लोग रोलिंग बोर्ड, और जो बेलन होता है उसे बोलते हैं हम लोग रोलिंग पिन। ओके, देन वी मेक चपाती, हम लोग चपाती बनाते हैं, किस पर? ग्रिडल पर। ग्रिडल क्या होता है दोस्तों? तवा, एज यू कैन सी हियर, मेक चपाती होना ग्रिडल, दिस इज कॉल्ड ग्रिडल, तवाई को बोलते हैं हम लोग। ओके, फिर हम उसको सेकते हैं, सेकना क्या होता है? बेक चपाती। सो नाउ द फूड इज रेडी, सो लेट्स हैव फूड। इफ यू थिंक दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।